सर कैसे हैं आप? ठीक हैं? बिल्कुल ठीक। कौन से चैनल से हैं? सर केटी न्यूज़ से। केटी न्यूज़, क्या नाम है आपका? मुजाहिद सोलंकी। मुजाहिद भाई, कैसा लग रहा है यहाँ पे? किस सेंस में पूछ रहे हैं? कराची को इतना माशाल्लाह रोशन देखता हुआ। देखें, ये 9 साल के बाद कराची में इंटरनेशनल मैच हो रहा है, ठीक है। दूसरी ये बात कि 12 साल के बाद वेस्टइंडीज़ की जो टीम है वो यहाँ पे आई है, तो इस हिसाब से बहुत बड़ा दिन है ये, न सिर्फ कराची के लिए, पूरे पाकिस्तान के लिए, कि आपके यहाँ इंटरनेशनल क्रिकेट बहाल हो गई है। और इसका सारा क्रेडिट पाकिस्तान आर्मी, सिंध रेंजर्स और हुकूमत पाकिस्तान को जाता है, जिन्होंने सिक्योरिटी के जो इंतजाम किए हैं वो इतने शानदार किए हैं। क्या बात है, लग रहा है कि ये आज ईद का सा समय है। तरस गए थे पाकिस्तान के अवाम, कराची के अवाम सारे। ये देखिए, ये नेशनल स्टेडियम में हम खड़े हैं बिकॉज यहाँ पे भी मैच के बाद थोड़ा सा ब्रेक हुआ है। सो वी आर रियली, वी आई डोंट हैव सच वर्ड टू टेल यू माई फीलिंग कि यहाँ पे इतना सिक्योर सिस्टम, माशाल्लाह अल्लाह ताला इस शहर को, इस मुल्क को इस नज़रों से बचाए, इस बुरी नज़रों से बचाए, और इसी तरह हम लोग इन्जॉय करते रहें। ये KTN न्यूज़ चैनल से ये हैं, आपका नाम दोबारा बता दें जी। कवर करें मुजाहिद सोलंगी, स्पोर्ट्स रिपोर्टर KTN न्यूज। मुजाहिद सोलंगी के साथ मेरा नाम अब्दुल्ला रिजवान है, और हम जो है कराची के लोग चैनल का नाम है, और हम कवर कर रहे हैं कराची को।